तो गाइस आज मैं आपको लेके जाऊंगा कि इतनी स्पेशल जगह जहां पर नेचुरल गर्म पानी निकलता है और ये पानी इतना गर्म होता है ना, मतलब जो यहां पर यात्री लोग आते हैं उनके लिए जो लंगर तैयार होता है जैसे कि दाल चावल वो सब उसी पानी से बॉयल होता है। और मैं बात कर रहा हूँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारे की। तो लेट्स गो, अगर सभी बातें अभी कर लेंगे तो फिर बाद में सफर में क्या बात करेंगे। यहाँ के क्या स्थिति चल रही है? बढ़िया चली हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी अपना ड्यूटी सही निभा रहा है, हम लोग भी अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं और टूरिस्टों को आने जाने के लिए सुविधा अच्छी प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। वैसे तो अभी यहाँ पर रस्तों को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले फ्लड आया था, उसकी वजह से काफी सारे रस्ते वस्ते टूटे हुए जिसकी वजह से यहाँ पर बसें नहीं चल रही है। लेकिन भाई हम ठहरे जिद्दी इंसान, हमें तो जहाँ पहुँचना है वहाँ तो हम पहुँच के ही रहते हैं चाहे वहाँ पहुँचने में कितनी भी प्रॉब्लम आए। तो कुल्लू से मैं निकल जाता हूँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के लिए और कुल्लू से मणिकरण साहिब गुरुद्वारे की दूरी थी 48 किलोमीटर और अब देखना यह था कि हमें टाइम कितना लगने वाला है। और यहाँ के सुंदर नजारे भाई बहुत कमाल के है। Secrets go, 'cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. बस आइए नीचे, बस तो नहीं आई है, ये आई ना, क्या पूछो जाते खुशी हमारे से, क्या पूछो यहाँ के क्या स्थिति चल रही है? यहाँ की बढ़िया चली हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी अपना ड्यूटी सही निभा रहा है, हम लोग भी अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं और टूरिस्टों को आने जाने के लिए सुविधा अच्छी प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो गाइस देखो अंकल जी ने खुद ही बता दिया कि यहाँ पर स्थिति अब ठीक चल रही है, अभी तो वैसे इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा सही होता जाएगा तो टूरिस्ट लोग काफी आने लगेंगे और बसे वसे टैक्सी वैक्सी सब चल जाएगी। और ये जो आप हमारे बाइक ड्राइवर देख रहे हो ना, ये है कमलेश भाई जो कि हमें कसोल से पहले जरी में मिले थे और वे ही हमें यहाँ पर मणिकरण तक लेके आए हैं। Secrets go, 'cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little. Kamlesh, yeah. Thank you so much. Nice to meet. Okay. हाँ ठीक है आएंगे। तो गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारे पर और अभी देखते हैं यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा तगड़ा फ्लड आया था जिसकी वजह से यहाँ पर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ, तो जाके नीचे देखेंगे अभी। तो ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और यह गुरुद्वारा पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित सिखों और हिंदू दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये देखो भाई यहाँ पर जो ब्रिज था ना ये टूटा हुआ है थोड़ा सा और पार्वती रिवर में भाई पानी बहुत तेज चल रहा है। और अंदर से गुरुद्वारा कुछ ऐसा दिखता है और यहीं पे बना हुआ है एक गर्म पानी का कुंड, अगर कोई इंसान इस गर्म पानी के कुंड में कुछ दिनों तक स्नान कर लेना तो उसके काफी सारे रोग खत्म हो जाएंगे। यह है गुरुद्वारे का लंगर हॉल जिसमें भाई 24 घंटे लंगर चलता है, अभी तो यात्री लोग ज्यादा आ नहीं रहे, मई जून के महीने में यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और यह है रसोई घर जिसमें सभी यात्रियों के लिए लंगर तैयार होता है। और ये जो आप वीडियो में मटके देख रहे हो ना, इन्हीं मटकों में दाल चावल मतलब बॉइलिंग का जितना भी सामान है ना सब कुछ इनमें भर के ऐसे गर्म पानी में रखा जाता है और कुछ ही 40 से 45 मिनट में वो बनके तैयार भी हो जाता है। और देखो रोटियां यहाँ पर इस तरीके से तैयार होते हैं क्योंकि अभी यात्री लोग कम आ रहे इसलिए हाथों से बना रहे, लेकिन जब यात्री काफी आते रहे तो फिर यहाँ पे मशीन से रोटियां बनती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा बताया जाता है कि जब गुरु नानक जी भाई मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे तो जब भाई मर्दाना को भूख लगी थी तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो गुरु नानक जी ने बोला कि किसी कहीं से भिक्षा मांग कर लेके आओ। तो भाई मर्दाना भिक्षा मांग कर तो लेके आ गए लेकिन समझ में नहीं आया कि इस खाने को पकाए कैसे। तभी गुरु नानक जी ने बोला
कि जो सामने पत्थर दिख रहा है इस पत्थर को हटाओ। तो वो जब वो पत्थर हटाया तो उसके नीचे से गर्म पानी निकलने लगा, तो भाई मर्दाना उसमें रोटी बना के डालने लगे, लेकिन रोटियां गर्म पानी में डूब जा रही थी। तो तभी गुरु नानक जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान को कहा कि अगर रोटियां तैर कर बाहर आ गई तो भगवान मैं आपको एक रोटी दान करूंगा। और बस फिर रोटियां तैर कर ऊपर आने लगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर बने भगवान शिव जी के मंदिर के बारे में, जहाँ पर ये गर्म पानी निकलता है। तो इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है, भगवान शिव जी और माता पार्वती यहाँ पर 1100 वर्षों तक रहे थे। तो एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो स्नान करते समय उन्होंने अपनी मणि को खो दिया था और माता पार्वती इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। लेकिन जब भगवान शिव जी को यह बात का पता लगा तो उन्होंने अपने देवगणों को मणि ढूंढने के लिए पाताल लोक में भेजा। लेकिन जब मणि उन्हें नहीं मिली तो भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर वहां पर उस ठंडे पानी की झील में त्रिशूल गाड़ दिया, उससे उनकी तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र खुलने की वजह से नैना देवी का जन्म हुआ। तो फिर नैना देवी ने पाताल में जाकर मणि को ढूंढा। तो इन्होंने वासवी नाग से कहा, जो पाताल के राजा थे, मतलब वहां पर मणियों का भंडार था, तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ उनको आदेश दे, जो भी मणि होगी वो बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने फुंकार मारी तो गर्म पानी का वेग बाहर आ गया और मणि भी काफी सारी बाहर आ गई। तो इससे यहाँ पर ये सारा पानी गर्म हो गया और इस जगह का नाम भी इसलिए मणिकरण रखा गया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो तो आप लोगों के लिए मणिकरण साहिब का। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना, और यार सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना।